हेलो किचन क्वींस एंड किंग्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम फ्रेंच फ्राइज यूज़ करके बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और बहुत ही क्विक रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इस रेसिपी के लिए आप या तो लेफ़्ट ओवर फ्रेंच फ्राइज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कल बनाए थे या बाज़ार से फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए थे और थोड़े से बच गए हैं तो आप वो यूज़ करके भी यहाँ पर ये स्नैक, क्विक स्नैक बना सकते हैं। पर मैं यहाँ पर फ्रोज़न फ्राइज़ यूज़ कर रही हूँ, जो मकेन के या फिर किसी अमूल के भी आते हैं अब तो ये फ्रोज़न फ्राइज़ हम यूज़ कर रहे हैं। और इनको फ्राई करने से पहले मैं इनके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर कोट कर रही हूँ, यानी कि मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है फ्राइज़ को, और लगभग 2-3 टेबल स्पून जितना इस पर मैंने कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर दिया है, कॉर्नफ्लावर या एरोरूट पाउडर। और ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कॉर्नफ्लावर में इनको कोट करना, पर हाँ थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं डेफिनेटली हमारे फ्रेंच फ्राइज, इसीलिए मैंने कोट कर दिया है। पर आप चाहें तो डायरेक्टली इनको ऐसे ही जैसे हम सिंपली फ्राई करते हैं वैसे ही कर लीजिए। तो यहाँ गैस पर कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था और हमने अपने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है, और बस अब हाई फ्लेम पर इनको हम क्रिस्पी होने तक और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये फ्राइज़ हमारे फटाफट से फ्राई हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेंगे। और अब ये फ्रेंच फ्राइज़ हमारा चीज़ी क्रिस्पी स्नैक बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेनी है वुडन स्टिक्स। ये वुडन स्टिक्स जो पनीर टिक्का के लिए भी हम यूज़ करते हैं वही है ये। अगर आपके पास इस तरह की लंबी वाली वुडन स्टिक नहीं है तो आप चाहें तो टूथपिक्स यूज़ कर सकते हैं, छोटे वाली। पर हाँ इसमें क्या होगा, थोड़ा अच्छे से थोड़ा बड़ा सा हमारा स्नैक बन जाएगा, जो कि एक जने को सर्व करने के लिए काफ़ी रहेगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह की लंबी वाली वुडन स्टिक्स प्रेफर करती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप टूथपिक्स यूज़ कर लेना। और अब हमने जो फ्राइज़ रेडी करके रखे हैं उनको हम इस तरह से पोक कर लेंगे और पूरा ऊपर तक अच्छे से इस तरह लाइन से हम फ्राइज़ को लगा लेते हैं। तो जितने मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रेडी किए थे उनको मैंने इस तरह दो बड़ी स्टिक्स में लगा करके इस तरह तैयार कर लिया है। और अब हमें इनके ऊपर चीज़ डालना है अच्छे से फैला करके। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, ग्रेट किया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह फैला करके दोनों पीसेस पर अच्छे से डाल दीजिए, और ये तो आपकी चॉइस है, आपको इस स्नैक को जितना ज़्यादा चीज़ी बनाना चाहिए उतना ज़्यादा चीज़ी बना सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं कुछ वेजिटेबल्स। तो आज मैं वेजिटेबल्स में बस थोड़ा सा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ और कॉर्न्स यूज़ करने वाली हूँ, थोड़ा सा ब्लैक ऑलिव भी यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर प्याज, टमाटर, गाजर ये सब भी छोटा छोटा काट के डाल सकते हैं। और अब स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा ऑरिगेनो या पिज़्ज़ा सीजनिंग और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। और थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी यूज़ कर रही हूँ मैं, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको एलपिनोज़ पसंद है तो आप यहाँ पर एलपिनोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इनको कुक करने के लिए आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन यूज़ कर सकते हैं। नॉनस्टिक पैन को आप बटर से अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और लो फ्लेम पर आप इनको 3 से 4 मिनट तक ढक कर के रख दीजिए, जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। पर आज हम इनको कर रहे हैं सिंपली माइक्रोवेव, तो सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हम माइक्रोवेव ऑन करेंगे नॉर्मल मोड पर, मतलब कन्वेक्शन या ग्रिल कुछ नहीं करना है। और बस 30 सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा चीज़ जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, और ये हमारा बहुत ही चीज़ी, क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बनकर तैयार हो गया है। इसका नाम आप फ्रेंच फ्राइज़ पिज़्ज़ा भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास इससे अच्छा कोई नाम है स्नैक के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
और देख सकते हैं कितना चीज़ी और कितना मज़ेदार लग रहा है ये, और सर्व करने के लिए, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इस बार जब भी फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी और आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पिज़्ज़ा पसंद है तो ये मस्ट ट्राई रेसिपी है आपके लिए। तो जल्दी से अपने घर में ट्राई करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और ईजी टेस्टी क्विक और नई रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल चीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ आपको और भी बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे चीना इन द किचन में एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ।